हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारा जो जैक बोर्ड झारखंड एकेडमी काउंसिल का जो रिजल्ट है 10th एंड 12th का, वो कब तक जारी किया जाएगा और क्यों नहीं जारी हो रहा है, इतना लेट क्यों लग रहा है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक है, तो बने रहे मेरे इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट, जो मैट्रिक व साइंस का जो रिजल्ट है, लोकसभा चुनाव के पहले आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये से तो अभी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ आ रही है निकल कर की, जो हमारा जैक बोर्ड का जो रिजल्ट है मैट्रिक व साइंस का, वो 23 मई को जारी किया जा सकता है। 23 मई को, जी हाँ फ्रेंड्स, 23 मई को जो हमारा जैक बोर्ड का जो रिजल्ट है 10th एंड 12th का, वो जारी किया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि जो हमारा लोकसभा, अभी तो देखिए फ्रेंड्स, अभी झारखंड और अभी पूरे इंडिया में अभी चुनाव चल रहा है, जैसे लोकसभा का अभी विधानसभा का तो आया नहीं है, तो लोकसभा के चुनाव के पहले अभी पूरे गारंटेड के साथ लग रहा है कि, मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि जो हमारा लोकसभा का जो चुनाव होगा उससे पहले ये हमारा रिजल्ट, जैक बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है पूरे गारंटी के साथ। तो क्या इसमें जो हमारा जो पिछले वर्ष का अगर देखा जाए 2018 का जो रिजल्ट था, वो 10वीं में कुल, मतलब ऐसे 59.48% स्टूडेंट पास हुए थे, तो मतलब 60% कुछ लगभग में ऐसे स्टूडेंट कुछ पास हुए थे, और जो है 40% वो कुछ क्रॉस हो गए थे कॉमर्स साइंस स्टूडेंट में, साइंस के स्टूडेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट में कुछ 60% पास हुए थे, पासिंग मार्क लाए थे, और जो 40% है वो क्रॉस हो चुके थे हमारा 2018 के रिजल्ट में। और 7 जून का जो, मतलब हमारा पहले का रिजल्ट था, वो 7 जून को 2018 को घोषित कर दिया था। और इसमें तो फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट अभी हैं, जैसे जो अभी रिजल्ट अभी जो देखिए हमारा कुछ दिन पहले 12 या फिर 11 तारीख को, हमारा अप्रैल को हमारा जो 8 एंड 9 का जो रिजल्ट है वो आ चुका था, तो उसमें जैक बोर्ड का रिजल्ट शामिल नहीं हुआ, उसमें नहीं दे पाया। इसमें अभी सब ऑनलाइन का अभी बना दिया, जैसे जितना भी रिजल्ट आ रहा है 9th एंड 10th का, मतलब जितना भी, पहले तो 8 और 9 का पहले स्कूल के माध्यम से ही दिया जाता था रिजल्ट, लेकिन अब नेट से ही दिया जा रहा है, सब स्कूल टीचर्स अभी ऊपर से सब कुछ चेकिंग हो रहा है जो पेपर है, जो हमारा एग्ज़ाम पेपर। तो अब बताया जा रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है 10th एंड 12th का, वो 23 मई के पहले आएगा, और 23 मई को आने का संभावना है, पूरी संभावना लोकसभा चुनाव के पहले। तो ये थी कुछ रिजल्ट की जानकारियाँ। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।